नमस्कार, आप सभी का अंतरशक्ति कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है। आप हम सभी कई एपिसोड से भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं को सुन रहे हैं, लेकिन आज का ये जो एपिसोड है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ज़रूरी है आज के युवाओं को इस एपिसोड को देखना, क्योंकि आज का ये जो एपिसोड है ये भगवान श्री कृष्ण और उनकी प्रिया श्री राधा रानी के प्रेम को आप तक पहुंचाने वाला है। क्या आपने भी कभी युवाओं को आपस में ये कहते हुए सुना है कि राधा कृष्ण ने भी तो प्रेम किया था, हम प्रेम करें तो उसमें क्या दोष है? हम अक्सर ये बात कई बार आज के बच्चों से सुनते हैं, लेकिन क्या आप राधा कृष्ण के प्रेम से अपनी तुलना करने से पहले एक बार जानना चाहेंगे कि राधा रानी का और श्री कृष्ण का प्रेम क्या था? सबसे पहले, प्रेम एक ऐसा शब्द जिसको जानने में कई कई जन्म बीत जाते हैं। अंग्रेजी में कहावत है कि लव इज नॉट गेटिंग बट गिविंग। प्रेम का मतलब किसी से कुछ लेना नहीं होता है। प्रेम का मतलब है आप जिनसे प्रेम करते हैं उनको आप क्या दे सकते हैं। संस्कृत में कहते हैं तत् सुखे सुखित्वम्, यानी जिनसे हम प्रेम कर रहे हैं उनके सुख की इच्छा करना, यही प्रेम है। क्या एक लड़का और लड़की जो साधारण जगत में दिखाई देते हैं, क्या राधा कृष्ण भी वही थे? बिल्कुल नहीं। शास्त्रों ने कहा, हमारे पुराणों ने कहा कि राधा कृष्ण एक आत्मा द्वि देहधारी, यानी राधा और कृष्ण दोनों की आत्मा एक थी, भले वो अलग अलग रूप धारण करके इस धरती पर अवतार लेके आए। मुझे लगता है शायद आप मेरी इस बात पर क्यों यकीन करेंगे, उसके लिए मैं आपको एक छोटी सी कहानी जो भगवान राधा कृष्ण के प्रेम को दर्शाती है आपको
बताना चाहूंगी। भगवान श्री कृष्ण ब्रज छोड़ करके द्वारिका चले गए और द्वारिका में उनसे मिलने के लिए एक बार श्री राधा रानी पहुंच गई। राधा रानी मिलने के लिए आई, एक सुंदर महल में उनको ठहराया गया। भगवान श्री कृष्ण की 16,000 पटरानियों ने इच्छा की कि क्यों ना हम भी एक बार राधा रानी से मिल के आए। हर बार हमने कृष्ण के मुख से बस राधा रानी की महिमा सुनी है, एक बार देख भी ले कि वो राधा दिखती कैसी है। ऐसी इच्छा लेके सारी पटरानी श्री राधा रानी के पास पहुंच गई, बैठ के आपस में बातें की। भगवान श्री कृष्ण की बचपन की लीलाओं को राधा रानी ने पटरानियों को सुनाया और दर्शन करने के बाद सारी पटरानी वापस महल आ गई। शाम होते ही सारी पटरानी श्री कृष्ण के चरण दबाने के लिए पहुंच गए और जैसे चरण दबाए तो उनकी नजर भगवान कृष्ण के चरणों पर पड़ी, जहां चारों ओर भगवान श्री कृष्ण के चरणों में तलवे में बड़े बड़े जख्म हैं। पटरानियों ने देखा तो श्री कृष्ण से पूछा, हे द्वारिकाधीश, आपके चरणों में ये इतने छाले, इतने जख्म कैसे आए, कहां चले गए थे आप? भगवान ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं कहीं नहीं गया, तुम बताओ तुम कहां गई थी? कहा, हम सब राधा रानी से मिलने गई थी। क्या लेके गई थी? कहा, हम राधा रानी के लिए उपहार में सोचा कुछ खाने के लिए लेके जाए, थोड़ा फल और थोड़ा दूध लेके गई। कृष्ण ने पूछा, दूध कैसा था? कहा, दूध तो बड़ा गर्म था। तो राधा रानी ने उस गर्म दूध को उठाया और तुरंत उसे पी गई। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे रानियों, राधा रानी के हृदय में मेरे चरण विराजते हैं। जब राधा रानी ने उस गर्म दूध को पिया तो मेरे चरणों पर जाकर के उस दूध ने अपना प्रभाव दिखाया और मेरे चरणों में छाले हो गए। इस बात से सिद्ध होता है कि राधा कृष्ण शरीर दो हैं, देह दो हैं, लेकिन दोनों की आत्मा एक है। राधा कृष्ण में बहुत प्रेम था, दोनों में घनिष्ठ प्रेम की इस पराकाष्ठा को ही राधा कृष्ण की प्रेम की व्याख्या दुनिया को दिखाने के लिए ही उन्होंने अवतार ग्रहण किया। राधा रानी श्री कृष्ण से रूठ भी जाती थी, लेकिन श्री कृष्ण इतने चतुर है कि उनको क्षण भर भी नहीं लगता राधा रानी को मनाने में। कहते हैं कि श्री कृष्ण को अगर मनाना है तो आपको उनसे पहले राधा रानी को मनाना पड़ेगा। जगत में भी यही होता है। आप सब जो आज मुझे सुन रहे हैं, आपने भी जीवन में ये जरूर अनुभव किया होगा, जब हम छोटे बच्चे होते हैं तो हमको अपनी कोई मन की इच्छा बतानी हो तो हम अपने पिता से पहले अपनी माँ को अपनी मन की इच्छा बताते हैं, क्योंकि हम जानते हैं पिता के पास गए तो शायद डांट पड़ेगी, लेकिन माँ के पास गए तो माँ उस बात को धीरे से, जब पिता का मूड अच्छा होता है, जाकर के हमारी इच्छा को बता देती है और फिर पिता को उस बात को मानना ही पड़ता है। भगवान कृष्ण पिता के समान है और श्री राधा रानी एक माता के समान है। अगर हम भगवान श्री कृष्ण को अपनी इच्छा बताएं तो शायद वो इतना जल्दी न सुने, लेकिन अगर वही बात, वही इच्छा एक बार अपनी माँ राधा रानी को बता दी जाए तो राधा रानी अपने बालक की इच्छा पूरी करने के लिए देखती है कि श्री कृष्ण कब अच्छे मूड में, कब बड़े खुश है, बड़े प्रसन्न है, और जब कृष्ण प्रसन्न होते हैं तो राधा रानी जाकर के हमारी इच्छा श्री कृष्ण को बता देती है। यानी हमारी अर्जी भगवान कृष्ण तक पहुँचाने का अगर कोई काम करती है तो वो राधा रानी है। अगर हमको कोई वस्तु चाहिए और हम किसी बड़े पदवी वाले, कोई पीएम हो, सीएम हो, उससे अपनी अर्जी लगाते हैं तो वो अर्जी बड़ी जल्दी सुनवाई हो जाती है। राधा रानी भी श्री कृष्ण की पीएम है, अर्थात उन तक अर्जी लगाने से श्री कृष्ण को वो अर्जी सुननी ही पड़ती है। ऐसा है भगवान राधा
और कृष्ण का प्रेम। आप हम सबको इस बात को जानना होगा, शास्त्रों में राधा रानी को कृष्ण की अहलादिनी शक्ति कहकर के पुकारा गया है। उन अहलादिनी शक्ति श्री राधा रानी के उस अटूट प्रेम को हम समझ करके अपने जीवन में निस्वार्थ प्रेम सीखें और आगे आने वाली पीढ़ी को राधा कृष्ण के प्रेम का उदाहरण दें। एक और बहुत महत्वपूर्ण बात जो शायद बहुत लोग नहीं जानते, हम सब जानते हैं श्री कृष्ण बड़ी अच्छी बंशी बजाते थे, श्री कृष्ण बहुत अच्छा नृत्य करते थे, लेकिन क्या आपको पता है ये सब कलाएं श्री कृष्ण ने कहाँ से सीखी? इन सब कलाओं की अगर श्री कृष्ण की कोई गुरु है तो वो राधा रानी है। मैं ये बात ऐसे ही नहीं शास्त्रों के आधार पर बोल रही हूँ, शास्त्र इस बात का प्रमाण देते हैं कि श्री कृष्ण ने जितनी भी कलाएं हैं वो राधा रानी से ही सीखी है। श्री कृष्ण जितनी अच्छी बंशी बजाते हैं उससे कहीं अच्छी बंशी राधा रानी बजाती है, लेकिन राधा रानी की बंशी को सुनने के लिए श्री कृष्ण को राधा रानी से बड़ी प्रार्थना करनी पड़ती थी और बड़ी चालाकी से श्री कृष्ण राधा रानी से प्रार्थना करते थे। कैसे? श्री कृष्ण राधा रानी के साथ बैठ के बंशी बजाते थे और जान बूझ करके श्री कृष्ण राग में गलत स्वर लगा देते। जैसे गलत स्वर लगता राधा रानी तुरंत पहचान लेती और श्री कृष्ण से कहती, नहीं नहीं यहाँ तुमने गलत स्वर लगाया है। तो कृष्ण मुस्कुराते हुए कहते, अच्छा तो तुम बता दो सही स्वर क्या है। तब राधा रानी वंशी लेकर के कृष्ण को वंशी सुनाती थी। इस प्रकार श्री कृष्ण ने राधा रानी से वेणु यानी बंशी बजाना सीखा और नृत्य भी राधा रानी ने ही श्री कृष्ण को सिखाया है। अर्थात राधा रानी कृष्ण की गुरु भी है और प्रेम की और कलाओं की गुरु कृष्ण की स्वयं श्री राधा रानी है। ऐसे श्री राधा कृष्ण के प्रेम को आप हम सब समझें। मैंने आपसे कहा था कि राधा रानी श्री कृष्ण से रूठती भी बड़ी जल्दी थी, लेकिन कृष्ण मनाने में भी पंडित हैं, तो श्री कृष्ण राधा रानी को बड़ी जल्दी मना लेते थे। राधा रानी बैठी है और राधा रानी से श्री कृष्ण ने कह दिया कि हे किशोरी जू, हे राधा रानी, आप तो चांद हो, आपका मुखड़ा तो चांद जैसा है। अब राधा रानी ने सुना और इसी बात पे रूठ गई। पूछा कि इसमें रूठने की क्या आवश्यकता है? राधा रानी ने कहा कि चांद में तो दाग होता है, बताओ मेरे में कहाँ दाग है जो तुमने मेरी उपमा चांद से की। श्री कृष्ण ने देखा कि राधा रानी तो इस बात से रूठ गई, तो श्री कृष्ण ने उनको मनाने के लिए कहा कि राधा रानी, जैसे चांद में काला दाग होता है वैसे ही आप चांद हो और मैं काला कृष्ण उसमें काला दाग हूँ। जैसे राधा रानी ने सुना तो खिलखिला के जोर से हंस पड़ी। श्री कृष्ण ने देखा कि राधा रानी का क्रोध अब शांत हो गया। इस प्रकार जब भी राधा रानी रूठती श्री कृष्ण अपनी मीठी मीठी बातों से उनको मना लिया करते थे। ऐसा राधा कृष्ण का प्रेम जो अतुल्य है, जिसका शब्दों में वर्णन करना असंभव है। आप सभी युवाओं से मेरा निवेदन है, प्रेम का सच्चा अर्थ समझें, राधा कृष्ण के प्रेम का अर्थ समझें और प्रेम का सही व्याख्यान इस दुनिया को सिखाएं। इसी निवेदन के साथ आप सभी से अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी और हम सब जानेंगे कि श्री कृष्ण ब्रज छोड़कर के आखिर मथुरा क्यों गए, ऐसा कौन सा कारण था जिस कारण से उनको अपने इतने प्रिय ब्रजवासी नंद, यशोदा और राधा रानी को छोड़कर के मथुरा जाना पड़ा, और उस मथुरा में जाकर के भगवान ने किन किन लोगों पर कृपा की और किस प्रकार उन्होंने अपने मामा कंस का उद्धार किया। इन सब कथाओं के साथ एक बार फिर आपसे अगले एपिसोड में मुलाकात होगी। तब तक आप सभी श्री कृष्ण का नाम गुनगुनाते रहिए, मुस्कुराते रहिए और आप सभी को मेरी ओर से
जय श्री कृष्ण। नमस्कार, अंतरशक्ति कार्यक्रम में आपका पुनः स्वागत है। 12 नवंबर 2019 कार्तिक पूर्णिमा का शुभ दिन, मंगलवार। जानते हैं आज का राशिफल। आइए जानते हैं मेष राशि के बारे में। मेष राशि का स्वयं राशिगत चंद्रमा उनके जीवन में आज शुभ सूचना का संचार कराएगा। स्वास्थ्य सुधरेगा। समस्या सिर्फ व्यापारी वर्ग में आ रही है। जो लोग साझेदारी का व्यापार कर रहे हैं वहाँ जरूर कुछ ना कुछ समस्या आ रही है। उसके समाधान के लिए हमें जाना होगा गणपति की शरण में। गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ करना होगा। अब बात करते हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि वालों का 12वां चंद्रमा आज वैसे तो व्यर्थ की यात्राएं कराएगा, पर जो लोग विदेश जाना चाहते हैं उनके लिए समय बहुत शुभ लाभकारी है। जिनका वीज़ा नहीं लग रहा उनका वीज़ा में आ रही अड़चने समाप्त कराएगा। आज के समय को और बेहतर करने के लिए ओम नमः शिवाय का जाप करें। अब बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि का 11वां चंद्रमा रुके हुए पैसे को वापस दिलाएगा, अतः आज आपको प्रयास करने चाहिए। साथ ही साथ 5वें घर में नीच का सूर्य संतान संबंधी कष्ट दे रहा है, जिसके निराकरण के लिए आपको सूर्य को जल चढ़ाना होगा। अब बात करते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि वालों के 10वें भाव में बैठे चंद्रमा के कारण पिता के सहयोग से रुके कार्यों में सफलता मिलेगी, पर शत्रुओं की संख्या भी बढ़ रही है, जिसके निराकरण के लिए हनुमान जी के शरण में जाना होगा। हनुमान चालीसा का पाठ करना होगा। अब बात करते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि के भाग्य भाव में बैठा चंद्रमा भाग्य में ही अड़चने पैदा कर रहा है, खासकर निकट के मित्रों से कष्ट की संभावना बढ़ा रहा है। इसके निराकरण के लिए आपको सूर्य की शरण में जाना होगा। आदित्य हृदय स्रोत का पाठ करना होगा। अब बात करते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि वालों का 8वां चंद्रमा आर्थिक मोर्चे पे कठिनाइयां उत्पन्न कर रहा है। कोई बड़ा निवेश आज ना करें, अन्यथा कष्ट हो सकता है। आर्थिक समस्याओं से बचने के लिए या उसके निराकरण के लिए आपको कनकधारा स्तोत्र का पाठ करना होगा। अब बात करते हैं तुला राशि की। तुला राशि वालों के 7वें भाव में बैठा चंद्रमा उनको नए अच्छे लाभकारी व्यापारिक प्रस्तावों से रूबरू कराएगा। साथ ही आपके व्यवहार में चिड़चिड़ापन और गुस्सा निरंतर बढ़ रहा है, जिसका निराकरण जरूरी है। उसके लिए आपको मसूर की दाल का दान करना होगा। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि वालों का शत्रु भाव में बैठा चंद्रमा आपका आज वर्चस्व बढ़ाने वाला साबित होगा। साथ ही साथ जो लोग विदेश जाने के लिए इच्छुक हैं उनके लिए समय शुभ लाभकारी है। जनरल मानसिक शांति के लिए आपको गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए। अब बात करते हैं धनुराशि की। धनुराशि वालों के 5वें भाव में बैठा चंद्रमा जो लोग शेयर मार्केट में निवेश करते हैं उनके लिए आज ठीक नहीं है। साथ ही साथ आपका लग्जरी पे बढ़ता खर्चा भी बढ़ता जा रहा है। पैसे के इस तारतम्य को ठीक करने के लिए आपको कनकधारा स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। अब बात करते हैं मकर राशि की। मकर राशि वालों का 4था चंद्रमा उनको मानसिक अशांति देने वाला है। जो लोग जमीन मकान में इन्वेस्ट करना चाहते हैं या परचेस करना चाहते हैं उनके लिए समय शुभ फलदायी है, परंतु मानसिक अशांति का अगर उपाय करना है तो आपको आज शिव जी का रुद्राभिषेक करना होगा। अब बात करते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि वालों का 3रा चंद्रमा आपको नए पुराने दोस्तों से मिलवा रहा है। शुक्र की 4थे भाव पर दृष्टि नए वाहन का भी योग बना रहा है। अपने जीवन को और सुखमय बनाने के लिए शनि मंदिर में तेल चढ़ा दिया करें। अब बात करते हैं मीन राशि की। मीन राशि वालों के लिए आज कार्य क्षेत्र में उन्नति के योग बन रहे हैं, परंतु आर्थिक चिंताएं भी सता रही हैं। आर्थिक चिंताओं के लिए माता लक्ष्मी के श्री सूक्त का पाठ करना आपके लिए आज बहुत ही श्रेष्ठकर रहेगा। आज बस इतना ही। देखते रहिए अंतर शक्ति कार्यक्रम। नमस्कार।